25 मई को लोकसभा चुनाव हुए हैं और ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट इस समय आप सिरसा लोकसभा के इलाहाबाद हल्के के नाथूश्री चोपटा में देख पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन इलाहाबाद हल्के के नाथूश्री चोपटा में होने जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक आए हैं वो इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है अशोक तंवर जी, पिछले जो लोकसभा के चुनाव थे उनसे फालतू वोटों से जीतेंगे। शैलजा भी मैदान में आ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी दावा कर रहे हैं बड़ी जीत का। शैलजा जी और शैलजा जी के फादर साहब यहाँ से लगातार 6 प्लान एमपी रहे हैं, उनके समय उनके कार्यकाल का विकास और अब का विकास देखो, लोग विकास को वोट देते हैं। यानी आपके कहने का मतलब विकास कार्य बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ? सबसे ज्यादा विकास कार्य इन 10 सालों में हुआ है, लोग विकास को वोट देंगे, काम को वोट देंगे। हमारी टीम पुरजोर लगा के काम कर रही है और हमारी टीम इलेक्शन लड़के और इलेक्शन में कुछ करके दिखाएगी, सबसे ज्यादा मेहनत हमारी टीम करेगी। बिल्कुल, कप्तान साहब विश्वास वाले आदमी है, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास कराए हैं और ऐसे विकास कराए हैं जो पिछले 40 सालों में नहीं हुए। 2024 के चुनाव की बात तो आप यहीं से देख लो भी, कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर अशोक तंवर जी के सामने प्रत्याशी उतारने में लगभग लगभग 1 से 1.25 महीना लग गया, तो आप देख लो कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है। जो आदमी इसके सामने कैंडिडेट खड़ा करने में जो पार्टी अब तक सक्षम अब जाकर हुई है, तो वो इनके सामने मैं ये नहीं मानता चुनाव के अंदर कोई समीकरण बन पाएगा उनका। तो मैं ये मान कर रहा हूँ डॉक्टर अशोक तंवर जो पीछे सुनीता दुग्गल जी हमारे एमपी बने थे उससे ज़्यादा वोटों से एमपी बनकर निकलेंगे। ठीक है, आपको बताइए भारतीय जनता पार्टी ने जितने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोड हो, पानी का हो, हर घर जल और नल की सुविधा हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, या ये मान के चलो आप भी हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने देश को विकसित करने का प्रयत्न किया। देखो जी, बीजेपी के सामने कोई कैंडिडेट आ जाए, चाहे शैलजा आ जाए चाहे हुड्डा आ जाए, अब की बार अशोक तंवर यहाँ से सीट निकालेंगे। कितना बड़ा दावा करते हैं, कितनी जीत का मार्जिन मानते हैं? जीत लगभग लाखों में जीत होगी जी, पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे अशोक तंवर। सुनीता दुग्गल से ज्यादा वोटों से ज्यादा वोटों से जीते हैं। कोई बड़े काम जो बीजेपी ने करवाए उससे लोग आपको वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे, क्या बड़े काम है? बड़े काम तो ये है जी, राम मंदिर वाला बहुत बड़ा काम था, कितना वर्षों का मुद्दा था और 370 थी, और बहुत काम है रोड का है, देख लो आप भारतमाला है जैसे पूरे देश को जोड़ रही है, इतने इतने बड़े काम हमने तो नहीं देखे कभी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ विकास कार्यों के नाम पर काफी ज्यादा काम हुए हैं और जो पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं और कप्तान साहब के दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में जाके आप देखिए, प्रत्येक गांव में हमारा कार्य चल रहा है। कोई कुछ कार्य गिनवा दीजिए, कार्य आप मैं क्या गिनवाऊं, आप देखिए शक्कर मंदोरी गांव में जाके देखिए सोलर प्लांट लगाए, नहराणा गांव में देखिए जहां सेम की समस्या थी और पिछले 1 साल में और आज में, आज आप जाके देखिए तो वहां का जो वाटर लेवल था वो कितना नीचे चला गया और किसानों को कितना फायदा हुआ है वो आप देख सकते हैं जाके। युवाओं के लिए कोई काम? युवाओं के लिए देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कप्तान साहब ने प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी दी है, कितनी अच्छी चल रही है वो आज, और पीछे जो ये वैकेंसी हुई है उनमें प्रत्येक गांव से 5-10 आबादी के हिसाब से बच्चों का चयन हुआ है, तो इसी की देन है, इसी वजह से मतलब प्रत्येक गांव से युवा आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल, हमारी शैलजा भी मैदान में आ गई और चुनावी मोड जो है वो पूरे रंग में है। आप ये मान के चलो जी, अशोक तंवर जी जो इनका जो सिरसा में रहे हैं तो मान के चलो लाखों के मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जब बहन शैलजा जी की बात करते हैं तो आप ये बताइए भी, जो इस साल में एक बार आ जाए वो तो अलग बात है, आप ये बताओ कितने दिन आई है वो, 25 सालों के अंदर कितने दिन आई है यहाँ? इन्होंने सिरसा की जनता ने उनको एमपी बनाया, उनके पिताजी को बनाया, उसके बाद उनका भी फर्ज बनता है, वो अम्बाड़ा जाके बैठ गए। अशोक तंवर जी हैं जी, आप ये बताओ, चाहे विपक्ष में रहे चाहे 2009 से 2014 तक एमपी रहे, सिरसा जिला में रहे हैं, उनका कोठी भी है, सारा सिस्टम भी है। अब कोई कहते हुए तंवर साहब के पास जाना है, बोलो चलो जी हुड्डा सेक्टर 1 में चलते हैं, वहाँ तंवर साहब मिल जाएंगे, मैडम जी हो, तंवर साहब हो, फैमिली हो, जो भी है वो हर महीने मतलब 5-10 दिन यहाँ टाइम अपनी लोकसभा में देती हैं जी। एक तो उनको इसका भी फायदा मिलेगा, दूसरा उनका जो हर गांव के अंदर व्यक्तिगत संबंध है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और कप्तान साहब लगे हुए हैं, सारा सिस्टम है,
तो आप देखो जी, नहीं अशोक तौर पर ये भी ब्लेम कर रहे हैं लोग कि उन्होंने कई पार्टियां बदली है, उसका कोई नुकसान होगा क्या, कुछ कहेंगे? नहीं जी, उसका ये बात है जी भी, उन्होंने चलो पार्टी बदली है मान के चले, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसमें उसका कोई मतलब व्यक्तिगत मामला तो था नहीं जी। जैसे अपने जो कांग्रेस के साथी थे जी, जो जेजेपी में गए, वो मिले चुन के आए, उनके टिकटों का मामला था जी, उनको टिकट मिल जाए, नहीं तो वो अपने लिए मांग रहे थे जी टिकट, नहीं अपने कोई परिवार के लिए मांग रहे थे जी। उसके बाद उन्होंने पार्टी में गए, वर्कर बोले चलो इसमें चल जाती है, वर्कर कहने से वो चले भी गए, पर तो उन्होंने कोई स्वार्थ का वहाँ भी काम नहीं किया जी, भी कहा उन्होंने कोई अपने स्वार्थ के लिए गया और गया हो। बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे में भी वो टॉप में रहे, इस वजह से उन्होंने टिकट दी थी, सारी जनता का जो फीडबैक लेके उसके बाद ही टिकट दी है जी। अगर मान के चलो उन्होंने गया, उसका अगर नुकसान होता तो वो मान के चलो वो भारतीय जनता पार्टी टिकट ही नहीं देती जी, उन्होंने सारा सर्वे करवाया है, सर्वे में वो टॉप रहे इसलिए टिकट दी है जी। हाँ, ये तो जनता का फैसला है जी।